हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिकेट स्टेप्स। और गाइस, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एडवांस फील्डिंग ड्रिल्स के बारे में। और ये ड्रिल्स आप घर के अंदर कर सकते हैं, अपनी छत पे कर सकते हैं, या अगर आपके अकेडमीज खुल चुकी हैं, या अगर आप गांव में रहते हैं और आप घर से बाहर जा सकते हैं, तो ये ड्रिल्स कर सकते हैं। बहुत ही धमाकेदार ड्रिल्स हैं, बहुत कुछ आप इस वीडियो से सीखने वाले हो। सो आज इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ बताने वाला हूँ आपको फील्डिंग के बारे में, राइट। तो जैसे कि आप यहाँ पर सेटअप देख सकते हैं, हमने कुछ बॉल से ये सेटअप बना रखा है। आप देख सकते हैं बॉल्स, हमने 5 बॉलों का एक सर्कल बना रखा है पूरा, राइट। और इस सर्कल में आपको क्या करना है, इसमें आपको कैचिंग करनी है और फिटनेस करनी है। मतलब ये जो फील्डिंग होगी, इसमें आप थोड़ी सी फिटनेस भी कर पाएंगे और थोड़ी कैचिंग भी कर पाएंगे, राइट। सो इससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, आपके रिफ्लेक्सेस खुलेंगे, आपकी रीच बढ़ जाएगी बॉल की तरफ, आप जो बॉल पे बैंड नहीं हो पाते, बॉल तक नहीं पहुंच पाते, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर होने वाली है। सो गाइज, अगर आपने अब तक हमें हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पर फॉलो नहीं किया, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप हमारी होम वर्कआउट वीडियो जो सीरीज़ है, वो सारी आप फॉलो कर रहे हैं एज अ बैट्समैन? इसके अलावा जो हमने वर्कआउट आपको दिए, अपर बॉडी ट्रेनिंग और लोअर बॉडी ट्रेनिंग, क्या आप वो सब कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। सो गाइज, अब आपको मैं कुछ कैचिंग करके दिखाने वाला हूँ, मतलब जो स्क्रीन पे है वो आपको कुछ कैचिंग करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक कैचिंग से। सर्कल की कैचिंग करनी है आपने, ये देखिए आप, शुरू आप इससे करें थोड़ा थोड़ा, राइट। एक कोन से दूसरे कोन पर जाएँ और कैचिंग करें कुछ इस तरीके से, फिर तीसरे पे जाएं कुछ इस तरीके से। लगातार आपने रनिंग करते रहना है और कैचिंग करते रहना है, राइट। ये लगातार रनिंग करते रहें, कैचिंग करते रहें, एक पार्टनर आपको इसमें चाहिए होगा, तो आपने कुछ इस तरीके से कैचिंग करनी है। तो आप लोगों ने देखा जो पहली फील्डिंग ड्रिल है, आप जो सेटअप देख रहे हैं, आपको क्या करना है, बीच में खड़े होना है और 5 कदम का आपने एक सर्कल बनाना है, मतलब हर जगह से 5 कदम। उसके बाद जब आप ये देख सकते हैं, ये सेटअप आप देख सकते हैं, यहाँ से एक आपका एक वो बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। एक बॉल ये है, एक बॉल आप उस साइड देख सकते हैं, एक बॉल आप इस साइड देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको साइडवेज जाना है और कैचिंग करनी है, राइट। तो शुरू करते हैं, साइडवेज जाना है और आपने कैचिंग शुरू करनी है कुछ इस तरीके से, राइट। साइडवेज जाना है, फिर यहाँ से आगे आना है, उसके बाद कैचिंग शुरू करनी है ये, राइट। फिर साइडवेज जाना है आपने और आपने कैचिंग शुरू करनी है, फिर यहाँ से आगे आना है आपको, कैच पकड़ा, फिर आप साइडवेज जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका फिटनेस, इस कैचिंग को करने के बाद आपका फिटनेस भी अच्छा होगा और आपके जो पैर है वो अच्छे चलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अब आपकी ये जो वाली ड्रिल हो जाए, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना है फ्रंट एंड बैक कैच, राइट। वो आप देख सकते हैं सामने वो खड़े, और यहाँ से फ्रंट कैच फेंका जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहीं से आपको बैक कैच के लिए जाना है कुछ इस तरीके से, राइट। फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक, ये सारे कैचिंग आपने लगातार करने हैं। ये आपने फ्रंट कैच किया, फिर यहीं से आपको बैक कैच के लिए जाना है, राइट। तो आपने ये करना है, इसको आपने लगातार करना है, वेट बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेना, लगातार लगातार करना है। तो जब आप ये 3 ड्रिल कर चुके होंगे, तो आपको थोड़ा पानी पीना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है ना, पानी पीना है और रेस्ट करना है। जब आप रेस्ट कर लेंगे, पानी पी लेंगे, उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट ड्रिल के लिए तैयार होना। ये ड्रिल्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत अच्छे लगी, मैं पर्सनली इसको करता भी हूँ, तो एक बार डेमो दिखेंगे कुछ इस तरीके से। ड्रिल होगी, आपको पहले बैठना है, राइट। और अगर आप ये ड्रिल आराम से कर ले, तो फिर आपको पीछे टर्न होकर बैठना है, तो दोनों पोजीशन में आप कर सकते हैं। तो आप फ्रंट पोजीशन में देखिए पहले, यस, ये करना है और आपने कुछ इस तरह कैच करनी है, राइट। फिर दूसरे वाले कोन पे बैठना है, दूसरे वाले टी कोन पे, उसके बाद फिर कैच, जो पार्टनर आपके वो कैच फेंकेंगे आपको। ये ध्यान रखिए, कैच जो है बीच में फेंकनी है, आपके हाथ में कैच नहीं आना चाहिए, जो आपके पार्टनर उनको ये इंस्ट्रक्शन आपने देने होंगे, राइट। ये है कुछ इस तरीके से। सो जब आप ये ड्रिल्स करेंगे, ये थोड़ा बाद आपने नेक्स्ट ड्रिल करनी है, वो थोड़ी थका देने वाली ड्रिल होगी, लेकिन बहुत इफेक्टिव ड्रिल है, आपकी फिटनेस को भी इम्प्रूव करेगी, आपकी कैचिंग को भी इम्प्रूव करेगी। अगेन ये जो ड्रिल अब होने वाली है थोड़ी सी टफ होगी। इसमें क्या करना है कि आपको जो बॉलर, जो मतलब जो भी पार्टनर आपके होंगे, उनके साइड आपको अपनी बैक रखनी है और उनके इंस्ट्रक्शन पर आपने कैच करना है। वो कहीं भी बॉल फेंक सकते हैं पूरे सर्कल में, तो वो आपने कैच करना है, यस। लेकिन थोड़ा सा ना हाइट देना पड़ेगा आपको, जो आपके पार्टनर बॉल फेंकेंगे, वो ध्यान से सुने इस बार, ये कहीं भी बॉल आ सकता है, राइट। इससे क्या होगा, इससे आपको पता करने में मदद होगी कि कहाँ बॉल आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा, जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं आप, बहुत जरूरी। सो गाइज, आई होप कि ये 5 ड्रिल्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। और अब मैं आपको 2 बोनस टिप्स देने वाला हूँ फील्डिंग के, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और अगर आप ये फील्डिंग करते हैं, तो क्या होगा, जो भी आपको बताई गई हैं, इनसे आपकी फिटनेस इंप्रूव होगी, आपकी बॉल की तरफ रीच बढ़ेगी, आप बॉल पर जल्दी झुक पाएंगे, जल्दी रिएक्ट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इस छोटे से सेटअप के साथ, और बहुत कुछ आपको ये हेल्प कर सकती है,
राइट, इसमें आपके साइड बेस जो आपकी कैचिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी, आपके बैक रनिंग कैच इम्प्रूव हो जाएगी, आपके थोड़े बहुत हाई कैच इम्प्रूव हो जाएंगे, तो ये सब आपने करने हैं। अब मैं आपसे बात करूँगा दो बोनस टिप्स के बारे में जो आपको बहुत हेल्प करेगी। बहुत सारे बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है कि वो झुक नहीं पाते, राइट, जिसकी वजह से वो कैच बॉल मतलब बॉल को कैच नहीं कर पाते। तो मैं दो टेक्निक आपको बताने वाला हूँ, उसको आपको ध्यान से देखना है और अपनी बॉल की तरफ रीच बढ़ानी है। आपने देखा होगा जब आप कैचिंग करने जाते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे बॉल की तरफ नहीं पहुँच पाते और वो दूर रह जाते हैं, जिसकी वजह से कैच छूट जाता है। तो दो ड्रिल्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत इफेक्टिव हैं। रेस्ट करने के बाद आपको ड्रिल्स करनी है जब आपकी ये सर्कल वाली ड्रिल्स कंप्लीट हो जाए, कम से कम मतलब 3 से 4 मिनट का रेस्ट आप कर सकते हैं, उसके बाद आपने ड्रिल्स करनी है। सो गाइज, आपको क्या करना है कि आपको अपने टेनिस का बॉल उछालना है, उसके बाद उसको 2 टप्पे खाने देना है, फिर दूसरे टप्पे के बाद आपको रिएक्ट करना है, ठीक है। देखो कैसे, 2, ये ठीक है, आपको तब रिएक्ट करना है। और बार आप देख लो, 1, 2 ये राइट। आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट लेना, थोड़ा मैं पीछे से दिखा देता हूँ आपको, आपने 5 कदम दूर रहना है बस, 1, 2 ये, तो और थोड़ा पास कर सकते हो आप, देखिए 1, 2 ये तरह की चीज़ें आपने करनी है, राइट। ये क्या करेगी कि आप बॉल की तरफ, कहते हैं ना कि आप नहीं पहुंच पाते, ये वो चीज़ को बढ़ा देगी, राइट। और नेक्स्ट ड्रिल जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप कर सकते हैं, नेट्स पे जाएं या घर के पास चादर लगा लें अपनी छत पे, है ना, और थोड़ा सा पास हो जाएं। उसके बाद आपने क्या करना, देखो साइड मूवमेंट से कि आपको 1 फुट से कैच करनी है, मतलब 1 फुट आगे लेके जाना है ये, फिर कैपेंगे, कुछ ड्रॉप होंगे, कुछ पकड़े जाएंगे, चाहो तो थोड़ा और पीछे हो सकते हो अगर आपके रिफ्लेक्सेस थोड़े बहुत ठीक है तो। ये फुट, एक मूवमेंट को 1 फुट को आगे लेके जाना है और फिर कैच करना है। कई बार क्या होता है कि अगर आप जरा दोनों पैर से खड़े होकर दिखाओ करके कैच, हाँ यहीं से करके दिखाओ, कई बार हम कैच ऐसे नहीं कर पाते, राइट। देखो फिर से क्या गलती होती है, ये हमसे कई बार ऐसे कैच छूट जाते हैं, तो हम क्या करें, एक पैर का हमें इस्तेमाल करना है। ये जब आप पैर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, आप कैच पर आराम से पहुँच पाएंगे और आपके कैच लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। सो आई होप गाइज कि आपको ये सारी ड्रिल्स बहुत पसंद आई होंगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, कोशिश करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। विद दिस गाइस, थैंक यू सो मच, मिलने वाला हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।